हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एक पेपर है, चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जो कि पेपर कोड है 115। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस सीरीज़ में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो विद आंसर्स, तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप इसका आंसर्स चाहते हो तो आंसर्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर बात करें क्या इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ CBCS सिस्टम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CBCS जो सिस्टम है इसका मेरिट, या अगर हम बात करें डीमेरिट्स क्या है CBCS सिस्टम में। ठीक है, आपके 10 मार्क्स में पूछ सकता है। हिंदी में भी लिख दे तो CBCS प्रणाली के गुण और जो दोष हैं उसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। एवल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो सेकेंडरी लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर जो व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो है, कमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। यहाँ पर कमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, मतलब देखो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता हैं वो सारी चीज़ें आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है, डिस्कस द स्टेटस ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया। फीमेल लिटरेसी इन इंडिया, ठीक, यहाँ पर बताना है आपको, डिस्कस द स्टेटस ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस डेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर चारों क्वेश्चन ये हो गए इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं टीचर एजुकेशन, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आउटलाइन द रोल ऑफ टीचर्स बिल्डिंग प्राइमरी लेवल, मतलब जितने लेवल पे वहाँ पे आपको पूछा गया सारी चीज़ें आपसे कोई भी पूछ सकता है। आउटलाइन द रोल ऑफ टीचर इन बिल्डिंग अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। ठीक, तो ये कुछ 6 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे कि मूल्य आधारित समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका को क्या करिए, रेखांकित कीजिए। तो ये कुछ 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप इन सारे का आंसर्स चाहते हो तो आंसर्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको पर्सनली जो भी है इसके आंसर्स चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।